हाय फ्रेंड, मैं डॉक्टर अजय श्रीवास्तव। आज मैं आपको बताऊंगा ब्लिस्टर्स के बारे में, जो शरीर पे दाने दाने जैसे घाव निकल जाते हैं और जल्दी सूखते नहीं। आपने बहुत सारे अंग्रेजी दवा खा ली है लेकिन वो सूख जा रहे हैं, फिर नया आ जाते हैं। इससे ऐसे रोगों को हम ब्लिस्टर्स बोलते हैं, जो दाने निकलते हैं जिसके अंदर अंदर छोटा छोटा मवाज होता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि आपके शरीर में छोटा बड़ा बड़ा दाना हो और लाल या ब्लू हो या ब्लैक हो, और ये कंटिन्यूसली रिकरेंसी ऑफ ब्लू हो रही है, रिकरेंसी ऑफ बॉयल्स हो रहे हैं, आपके शरीर पे निकलता ही जा रहा है, तो इसमें एक मेडिसिन होती होम्योपैथ में होती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेडिसिन है एंथ्रेक्सिनम 30 को दिन में 3 से 4 बार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 3-4 बार लेंगे आप, 1-1.5 महीने लेने से ये धीरे धीरे आपको ये बीमारी जड़ से चले जाएगी। इसके अलावा कुछ ब्लिस्टर्स ऐसे होते हैं, जैसे आपने बहुत ज़्यादा चल दिए, बहुत ज़्यादा वॉकिंग कर लेने के बाद पैरों में पड़ जाता है, या किसी सामान को ज़्यादा ढोने के बाद आपके कंधे में या हाथ में पड़ जाता हो, तो ऐसे कंडीशन में आप कैंथेरिस 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कैंथेरिस 30 का इस्तेमाल करने से आपको शरीर में ब्लिस्टर्स की संख्या कम होने लगेगी और धीरे धीरे वो सूख जाएगा। लास्ट मेडिसिन आती है नेट्रम्यूर 30 का इस्तेमाल आप कब करेंगे, जब आपके टंग पे ब्लिस्टर्स हो, यानी आपके जीभ पे जब ब्लिस्टर होने लगे तो आप नेट्रम्यूर 30 का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप होम्योपैथिक मेडिसिन के हेल्प से आप अपने को ब्लिस्टर से छुटकारा पा सकते हैं और आपके शरीर जैसे कि पुनः अपने परिवर्तित अवस्था में आ जाएगा। थैंक यू।